एग्ज़ाम पोस्टपोन और रद्द किए गए हैं, एज ए स्टूडेंट आपका की आपकी क्या राय है? सर, जैसे कि मैं एक 12th क्लास स्टूडेंट हूँ, मेरे को एक अच्छा टाइम मिला, वैल्यूएबल टाइम है मेरे लिए कि मैं नेक्स्ट ईयर की जो मेरे को आगे जो ट्रांसफर होना है, आगे करना है, तो उसके लिए मेरे को एक अच्छा टाइम मिला कि मैं अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाऊँ। जो गवर्नमेंट ने रूल करा है, ये एक अच्छा रूल है, इससे सेफ्टी रहेगी। कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एक साथ इतने बच्चे एक साथ एग्ज़ाम देने आएंगे, तो उससे क्या रहेगा कि कोविड पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऐसे वो बच्चा एग्ज़ाम में भी नहीं बैठ पाएगा। बट एक अच्छा है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम डिले कर रही है, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। टेंथ हेल्थ को देख के रद्द कर दिए गए हैं, और ये भी कहा गया है कि जो बच्चे संतुष्ट नहीं हैं उनके एग्ज़ाम वो दे सकते हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? सर, जो गवर्नमेंट ने ये चीज़ कही है ना कि जो एग्ज़ाम रद्द हो रहे हैं और जो बच्चों को परसेंटेज मिलेगी, और अगर वो बच्चा अपनी परसेंटेज को देख के खुश नहीं है तो वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकता है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जिसको मार्क्स लेने हैं वो तो दोबारा एग्ज़ाम दे सकता है। पिछले साल तो एक तरीके से फ्रॉड ईयर ही था, टीचर्स ने स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया है, उन्होंने बस एक फॉर्मेलिटी किया है, ना ही हम कोचिंग जा पाए हैं, ना ही पेरेंट्स से हेल्प मिली है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स का एक राइट है कि 10th जो हमारी पूरी लाइफ की फाउंडेशन है, उसके एग्ज़ाम्स की तैयारी करने का हमें टाइम मिले, क्योंकि ये हर DMC हर रेज्यूमे में 10th के मार्क्स देखे जाते हैं, और पिछले साल हमें टाइम नहीं मिला। और साथ के साथ कोरोना तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि लाशें जलाने के लिए भी शमशान घाट नहीं मिल रही। डिसीजन बच्चों के हिसाब से ठीक लिया गया, कोविड के जितने मामले बढ़ रहे हैं उसके कारण बच्चों के लिए ये फैसला बिल्कुल ठीक है, और हमें भी लगता है कि ये फैसला ठीक है। स्कूल के जो एग्ज़ाम हुए उसके अनुसार उनको मार्क्स दे दिए जाएंगे, जो ठीक है। कोविड के कारण मतलब सरकार की तरफ से ये अच्छा फैसला है। प्लस टू के एग्ज़ाम भी टाल दिए गए हैं, उसका भी जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन लेना चाहिए बच्चे, क्योंकि अब कभी ना इधर के रहे ना उधर के, अब वो उनके मन में भी ये रहेगा कि पेपर कैंसिल हो सकते हैं, वो अपना पढ़ना छोड़ देंगे, तो उसी अनुसार इसका डिसीजन भी जल्दी होना चाहिए। 1 जून बहुत लेट है। सरकार ने जो डिसीजन लिया है कोविड को मद्देनज़र रखते हुए लिया है, और कहीं ना कहीं कुछ बच्चों की अगर जो पढ़ाई इससे बाधित हो रही थी, ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये कंटिन्यू आके जल्दी हो जाए, बच्चों का 10th के ऊपर की बजाय प्लस वन में एडमिशन भी बच्चों का जल्दी स्टार्ट हो, अगली क्लास में बच्चा प्रमोट हो के जाए। फिर अगर जो कुछ बच्चों के लिए ये भी है कि अगर जो वो सेटिस्फाई नहीं है, सरकार ने ऐसा भी रखा इसमें कि वो दोबारा अपने एग्ज़ाम के लिए साइट पर कुछ ऐसा प्रोविज़न सरकार बनाएगी कि वहाँ से अपना एग्ज़ाम वगैरह दोबारा दे सकता है।